बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनवर है और मैं पहलवान से आया हूँ। जैसा कि मेरा बाबू चल रहा है मुरक्कब पर, मुरक्कब नाटक पर, इससे पहले जो जारी हो चुका है मुरक्कब में रवि हो चुका है और आज मेरा टॉपिक है मुरक्कब में तौसीफी। ये तो दो दस महीने वैसे नहीं दिए कि यहां से हमें आगाज कर रहे हैं साल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी तारीफ। मुरक्कब में तौसीफी की तारीफ यह है कि ऐसा मुरक्कब नाकस जिसका एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त हो, ऐसा मुरक्कब नाकस जिसका एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त हो उसे मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। लिखा है कि इसके दो जुज होते हैं, एक जुज को पहले वाले को मौसूफ कहते हैं और अगले को सिफ्त कहते हैं। इनके दरमियान में कोई तीसरा हर्फ नहीं आता, ये दोनों इस्म होते हैं। अभी हम अपने शब्द का आगाज यहीं से करते हैं। देखें उर्दू और अंग्रेजी में जो सिफ्त है वो पहले आती है और जो मौसूफ है वो बाद में आता है। जिसका आपको साहब नजारा है नेक लड़का, ये सिफ्त पहले है। अगर मैं कहूँ गुड बॉय तो वो भी गुड जो है वो सिफ्ट है, वो पहले आ गए। लेकिन अरबी में इसका उल्टा है। लड़के की अरबी क्या है? वाला गुण। और नेक की अरबी क्या है? सवाले हुन। इसको आगे चलने से पहले मैं एक बार और यह बताऊं कि सिफ्ट और मौसूफ दोनों जो है इनमें इस्म के चारों पहलू शामिल होते हैं। इस्म के चारों पहलू बना के इस्म की चारों हाल है। मिसाल तौर पर इराब, अदद, जेनस और वसत, ये चार चीजें हैं इस्म की। ये चारों चीजें इनमें होती हैं। अगर ना हो तो यह तौसीफी नहीं होगा, मतलब तौसीफी नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसकी अभी आपको समझाऊं कि इस सवाल के अंदर नंबर एक ये सवाल फाइली है, ये इराब हो गया। नंबर दो ये सवाल अकेला है, वाहिद है। नंबर तीन जेंस ये मुजक्कर है। नंबर चार प्राउड किसी का बनस, सॉरी नोट नहीं है, ये मुजक्कर है। नंबर चार वसत के हिसाब से नकरा है। तो ये चारों जो खूबियां हैं इस एक लफ्ज के अंदर आ रही है, क्यों भी इत्तेफाक है। और ये चारों खूबियां अगर सिफ्त में ना हुई तो वह मुरक्कब तौसीफी नहीं होगा। अच्छा, जो सिफ्त इसमें होंगी वो इसी मौसूफ में भी होंगी। और एक दूसरी बात ये कि जो सिफ्त है मौसूफ की ताबे होती है, सिफ्त जो है मौसूफ की ताबे होती है। जो खूबियां मौसूफ में होंगी वही सिफ्त में होगी। थोड़ा सा ब्याह चाहते हैं, इन्हीं अल्फाज वाले जाते हैं ये मैं मतलब कौसीफी बना लिया है मारफा की हालत में सेंटमेंट का मतलब लगा। ये जब इसको मैं पढ़ूंगा तो ये जो जब आलू वाल दो सवाल पढ़ूंगा तो अब इसके अंदर ये जो मतलब कौसीफी बन गया है सिर्फ एक जो मैंने पहले बताया ना आपको फाइली है, अदद है, वाहिद है, मुज़क्कर है, फिर आगे वो मुसर के लिहाज से। तो अब इसमें एक फर्क ये आ गया कि ये क्या आ गया है मुसर के लिहाज से, ये माफा बन गया। क्या बन गया? बाकी तमाम खूबियां से वही है, सिर्फ इसमें माफा आ गया। अभी हम थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। जब आगे बढ़ा गया है कि इन तौसीफी के हर लफ्ज में चार खूबियां हैं, इसम की चार खूबियां हैं। मिसाल तौर पर मैं इसको लिखा हुआ अभी तक कहूं ये है फाइली हालत में, क्या है अभी है वालदन सवालेहन, ये है नस्बी हालत में मफूली हालत में वालदन सवालेहन,
ये है अराबी हाथ में। अब इन दोनों की यानी ये जो फाइली है इसका मैंने मफूली भी देख लिया है, अराबी भी देख लिया है। अब तसिया में क्या आएगा, वाला जानी सालिहान। आगे जाने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि जो खूबियां इन भी है वो इन में, जो सिफ्त भी है वही मसूर पे है। इसके बाद और आगे चलते हैं, और आज हूं सवाल होना। यहां पर भी आप देखें, यहां पर जमा भी आ गया, यहां पर हाथ में जमा भी आ गया, यहां पर तस्वीरें में थी। अच्छा ये है मुजक्कर। अभी अगर एक जो है वो जोड़ा मैं मोनस का डालू बेना तो सवाल हाथों, ये मुजक्कर है लड़की और इसकी जो सिफ्त है वो भी मुजक्कर है, सॉरी ये मोनस है और इसकी जो सिफ्त है वो भी मोनस है, बाकी तमाम खूबियां से वही है, सिर्फ यहां पर मुजक्कर थी यहां पर ये मोनस मांगी। अब जब इसका जवाब बनेगा वो बनेगा बनातुन सवालिहातुन, समझ गए। अच्छा जिस तरह मैंने ये अल बलदो बनाया था, इस तरह अल कुरान हकीम वाल कुरान मजीद, इसी तरह सॉरी जो अपना मतलब मोनस में है नार हानियातुन, पुराने बाद में हजारों क्या नाम है मनोज तौसीफ बने हुए हैं। एक पॉइंट की बात और फिर मैं साथ जो पॉइंट की बात है वो सुनते हैं, बाकी जवाब है जो आपने पानी है बैठक वो सफर नंबर 91 और 92 पर है, वहां पर जाकर आपको देख लेना है, क्योंकि जो काम की बात है वो देख लें। अच्छा अभी सुने, अगर मौसूफ ये जो मौसूफ है ये जमा मुकसर हो गैर आकल की, मिसाल तौर पर ये कलम है ये गैर आकल है, इसकी जमा क्या है अकलामुन। अब अगर मौसूफ होगा अकलामुन होगा तो जो इसकी सिफ्त होगी वो वाहिद मुअन्नस होगी, क्या होगी ये पॉइंट की बात है कि अगर मौसूफ गैर आकल की जमा मुकसर हो तो जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस होगी जदीदातुन। और बहुत सारे हैं अशजारुन तवीलातुन अय्यामुन महदूदातुन, बात समझे। अगर एक मिनट एक पॉइंट और भी है दादू, ये मैं एक लफ्ज लिखता हूं जाइबुन सालिहुन, सॉरी असालिहुन। अच्छा अभी आप गौर से देखें, चलो मैं एक मुरक्कब तौसीफी है, क्या ये मुरक्कब तौसीफी है कि नहीं है, ये आप लोगों को गौर से देखें कि ये है कि नहीं है। देखने में नहीं लगता है ये जाइबुन है, ये भी मारफा है और ये भी मारफा है ना, लेकिन ये नहीं है। ये तनवीन बता रही है कि ये बंदा है नकरा है, ठीक है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भी फार्मूला है, ये जो जैदुन है इसकी जो तनवीन है मैं सोचा खोलता हूं, मैं कहता हूं ये है जैदुन असालिहु। अब सुने यहां पर एक पॉइंट की बात, फार्मूला यहां पर भी जज्बाती है और यहां पर दो स्वाद है, पहला स्वाद है वो जज्ब वाला है, जो अगला है वो दूसरा है। अब दो जज्बे इकट्ठी नहीं होती, दो जज्बे एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती, इसका फॉर्मूला ये है कि ये जो जज्ब पहली है इसको ये नीचे जरूर आ देंगे नूर जेड़ गया खत्म कर देंगे, ये क्या बन गया जैदुन, आवाज वही है, आवाज वही है जैदुन जैदो निश्चौड़ा। अब ये सब का जो आसर हट जाएगा, ये क्या बन गया जैदो निश्चौड़े जैदो निश्चौड़े। कुरान पाक में ये जो नून है ये बड़ा नहीं होता, कुरान पाक में जो नून है वो छोटा होता है, और इस नून को कहते हैं नून ए कुतनी, क्या कहते हैं नून ए कुतनी। कुरान पाक में कई जगह ये नून आया है। थैंक यू।